हरलाखी में नामांकन के चौथे दिन 440 अभ्यर्थियों ने कराया नामांकन। बेता परसा पंचायत से किरण कुमारी मंडल ने भी कराया नामांकन। हरलाखी प्रखंड कार्यालय उमगांव में शांतिपूर्ण माहौल में चौथे दिन भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहा। नामांकन के चौथे दिन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से कुल 440 अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जहां बेता परसा पंचायत से मुखिया पद पर किरण कुमारी मंडल ने भी नामांकन कराया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रत्याशी के पति ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार अपना आशीर्वाद देगी और जीत कर आते हैं तो पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे। पंचायत से किस पद के लिए नामांकन कराया? बेता परसा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन कराया है। प्रत्याशी का क्या नाम है? किरण कुमारी मंडल। जीत कर आते हैं तो पंचायत में विकास के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि सबका मान सम्मान बराबर रखे और अपने तरफ से कोई भी गरीब हो, कोई भी काम हो, सबका सहमति से होना चाहिए। अपना विचार, सबका विचार होना चाहिए। पिछले मुखिया के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? पिछले मुखिया का कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन समाज में उनका जो है दुर्व्यवहार किया। जो एक होता है प्रतिनिधि का काम कि सबका साथ लेके चले, उसमें उनका कमी रहा। इसलिए हम लोग उनके अगेंस्ट में आए हैं। सब मतदाता से कोशिश करेंगे कि हमको सपोर्ट करें, वोट करें। हम भारी से भारी मत से जीत कर उनका सेवा करें।